क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर नंबर फोर्थ और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपने ये टॉपिक पहले से अपनी किताब से स्कूल में या कोचिंग में पढ़ रखा है और अभी भी आपको इसमें बहुत से डाउट्स हैं, तो आई प्रॉमिस यू इस वीडियो के देखने के बाद आपके सब डाउट्स खत्म हो जाएंगे और ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट को मैंने इन डिटेल समझाया है और लास्ट में बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं। तो चलिए, बातें बहुत हुई, जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जी हाँ, मेरा नाम है अलख पांडे और हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। निकाल लिया कॉपी पेन, हेडिंग लगाए डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो क्यों हुआ ये एक्सपेरिमेंट, किस रीजन से हुआ, पहले ये समझो। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डी ब्रोगली ने एक हाइपोथीसिस दी थी। डी ब्रोगली हाइपोथीसिस, इसको क्या पढ़ते हैं, डी ब्रोय हाइपोथीसिस। इन्होंने कहा था कि दुनिया का हर पार्टिकल वेव बन सकता है अगर वो मोशन में हो। हम, आप, स्कूटर, कार, वाइट बोर्ड, मार्कर, कैमरा, कुछ भी, हर पार्टिकल वेव बन सकता है अगर वो मोशन में हो। इन्होंने कहा था एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ी होती है और ऐसी वेव को हम मैटर वेव्स कहते हैं। नई तरह की वेव है, कौन सी वेव, मैटर वेव्स। इन्होंने क्या दिया, मैटर वेव्स दिया। फिर लोगों ने सवाल उठाया कि जब हम और आप दौड़ते हैं तो वेव क्यों नहीं दिखाई पड़ती। तो इन्होंने ये भी बताया कि ये वेव्स छोटे छोटे पार्टिकल के लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बड़े बड़े पार्टिकल पे ये वेव दिखाई नहीं पड़ती या मेजर भी नहीं हो सकती। इन्होंने बताया भी कि वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। लैम्डा है वेवलेंथ, पी होता है मोमेंटम, किसका, ऑफ पार्टिकल। किसी पार्टिकल का आपको मोमेंटम पता हो, मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो उसको उठा के यहां रख दो तो उस पार्टिकल की आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। और एच सबको पता है क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये कहानी ज्यादा वैलिड है छोटे छोटे पार्टिकल, आइटम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, आइटम नहीं आइटम, एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तेजी से फेंकोगे ना तो वेव नेचर दिखेगा। लोगों ने बोला ये क्या बात हुई, कोई प्रूफ है? इन्होंने कहा कोई प्रूफ नहीं है, बस हमारी थ्योरी है, हाइपोथेसिस। अब इसको प्रूव किया डेविसन एंड जर्मर ने, इन्होंने ये साबित किया कि इनकी बात सही थी। डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और इन्होंने ये प्रूव्ड दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, अभी तक इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता था, पार्टिकल माना जाता था। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल शोज डिफ्रैक्शन। अच्छा, डिफ्रैक्शन कौन दिखाता है, वेव दिखाती है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो इन्होंने कहा कि एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जो जब तेजी से चलता है तो वो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखाता है और डिफ्रैक्शन तो वेव्स दिखाती है, यानी हमने प्रूफ कर दिया कि पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है। नोट करो, प्रूव्ड दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि क्या थे आज तक, पार्टिकल थे, शोज डिफ्रैक्शन विच इज प्रॉपर्टी ऑफ वेव। यानी घुमा फिरा के डी ब्रोय हाइपोथेसिस पे टिक मार्क लगा दिया, इनको भी नोबेल प्राइज मिला, इनको भी मिला, इनको। अच्छा, सिमिलर एक्सपेरिमेंट जीपी थॉमसन ने भी किया, सिमिलर एक्सपेरिमेंट जीपी थॉमसन
जे.जे. थॉमसन के बेटे, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिन्होंने दिया था स्टार्टिंग में, जी.पी. थॉमसन आल्सो कंडक्टेड सिमिलर एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने भी कहा कि हाँ बात सही, उन्होंने भी डिफ्रैक्शन ही का किया था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप अलग था, इनका एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, इनका एक्सपेरिमेंट है। तो इन्होंने भी प्रूफ किया कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल हैं, जब वो मोशन में होते हैं तो वो डिफ्रैक्शन दिखाते हैं, डिफ्रैक्शन याद है, कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क, तो वो दिखाते हैं। और जी.पी. थॉमसन ने भी कहा कि हाँ ये चीज हो रही है, दोनों ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। फिर डेविसन और जी.पी. थॉमसन को मिला नोबेल प्राइज, और इनको भी मिला था नोबेल प्राइज, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। तो ये तो हुआ बैकग्राउंड की क्यों किया एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव वेव नेचर ऑफ मैटर, लिख लो टू प्रूव वेव नेचर ऑफ मैटर, मैटर का वेव नेचर प्रूफ किया, कौन से एक्सपेरिमेंट से, डिफ्रैक्शन से। इन्होंने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन भी लाइट की तरह डिफ्रैक्शन कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लाइट की तरह वेव बन सकते हैं। सोच रहे इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल सोच रहे थे तुम, वो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखाएगा, डार्क ब्राइट वो करके दिखाएगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, थोड़ा फील आया, लाइट तो दिखाती थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वही चीज इलेक्ट्रॉन करके दिखाने वाला है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया आपको नोट करने से। तो आप कह सकते हो उन्होंने वेरीफाई किया डी ब्रोए हाइपोथेसिस को। अब आप सोच रहे हो छोटी मोटी बात कहां है भाई, नोबेल प्राइज मिल गया बड़ी बात है। वेरीफाई किया इन्होंने डी ब्रोए हाइपोथेसिस को। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था वो देखते हैं। आओ देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप इनका। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या, ध्यान से देखें। सबसे पहले इन्होंने यहां पे एक फिलामेंट लगाया, टंगस्टन का फिलामेंट लगा दिया। ठीक है, टंगस्टन का फिलामेंट, इसको एफ बोल दो, टंगस्टन फिलामेंट। यार फिलामेंट का काम क्या होता है, जैसे बल्ब में लगा होता है गर्म हो जाता है ना, टंगस्टन की प्रॉपर्टी है ये, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो इसमें जब आप करंट पास करोगे तो ये हीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बैटरी लगाते हैं उसको हम बोलते हैं लो टेंशन बैटरी, सिर्फ हीट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लो टेंशन 6 वोल्ट 12 वोल्ट की छोटी बैटरी लगती है, एग्जांपल के लिए 6 वोल्ट और 12 वोल्ट की। इस बैटरी का काम क्या है, इस फिलामेंट को गर्म करना, टंगस्टन के इस रॉड को, इस फिलामेंट को, जैसे बल्ब में लगा होता है ऐसे गोल गोल देखा होगा फिलामेंट, उसको गर्म कर देना। अब वो गर्म करने से क्या होगा, इसकी हम कोटिंग कर देते हैं बेरियम ऑक्साइड से, हम यहाँ अलग से दिखा रहे हैं, अदरवाइज क्या है फिलामेंट के ऊपर कोटिंग की है, किसकी, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की है, बेरियम ऑक्साइड कोटिंग किसकी कर दी, फिलामेंट की। अब बेरियम ऑक्साइड जो होता है बच्चों, उसका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है। वर्क फंक्शन याद है कि कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी बेरियम ऑक्साइड बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन एमिटर है। तो होगा क्या कि फिलामेंट हीट होगा, हीट होने से बेरियम ऑक्साइड हीट होगा, बेरियम ऑक्साइड के एक एक एटम्स को एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर कूद कर बाहर आ जाएगा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन इमिटर बना। भाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए, हम क्या दिखाने जा रहे हैं कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन करेगा, हम ये दिखा। तो हमने एक फिलामेंट लिया, इसे लेके इसे गर्म किया हीटर से, हीटर से गर्म करने से इस प्लेट से क्या निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन, प्लेट नहीं है इसी के ऊपर कोटिंग है बेरियम ऑक्साइड। बेरियम का वर्क फंक्शन बहुत कम है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है, ऐसे समझ लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन पोटेंशियल केमिस्ट्री पढ़ा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन कूद कूद के बाहर है। अब हमें चाहिए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने पतला सा सिलेंडर ले लिया, ध्यान से देखो क्या लिया हमने, सिलेंडर, यहां नीचे लिखते हैं सिलेंडर विथ फाइन होल, पतले से होल के साथ एक सिलेंडर हमने चुन लिया। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, जगह बचाते हैं, ये क्या है हमारे पास, एक लो टेंशन बैटरी है, कुछ
6 वोल्ट या 12 वोल्ट के आसपास। और यहां पर एक सिलेंडर लगाया विद फाइन होल। अब सुनो इसका काम क्या है। अभी तो इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से हीट हुआ, बेरियम ऑक्साइड हीट हुआ, एटम्स हीट हुए, इलेक्ट्रॉन हीट हुए, एनर्जी मिली, कूद के बाहर आ गया। बट ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हमने क्या किया, इस सिलेंडर पे एक हाई टर्मिनल वोल्टेज लगा दिया। यहां पे लो टर्मिनल, यहां पे हाई टर्मिनल वोल्टेज से वी लगा दिया। हाई टर्मिनल वोल्टेज बढ़िया लगा दिया, करीब 40 वोल्ट 50 वोल्ट। ये बहुत छोटा है 6 वोल्ट पर, वहां 40 वोल्ट 50 वोल्ट लगाया, बढ़िया। अब इससे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन कूद कूद कर यहां से बाहर आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन कूद कूद के बाहर आ रहे हैं, ये जो थर्मियोनिक इमिशन हो रहा है, थर्मियोनिक क्यों, थर्मल मतलब हीट से, इमिशन मतलब निकलना, तो हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अब इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। भाई ये हैवी पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ध्यान से देखो, बहुत तगड़ा पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब ये इलेक्ट्रॉन खटाक से इसके पास भागेंगे तेजी से और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर है क्या, फाइन होल देखने को तो हमने बड़ा बनाया, पतला सा होल। ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की एक बढ़िया बीम भी बना सकता है। अभी क्या आते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन से निकल रहे थे, भाई इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना पता सीधा चलना, यहां से इलेक्ट्रॉन झुकू 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 हर तरफ इलेक्ट्रॉन इससे निकल लिया था, बट सामने देखा पॉजिटिव साइड में भागे 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 भागे, ऐसे सब निकले सामने, कैंटीन में मिल रहा है फ्री समोसा, सब भागे 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 भागे, समोसा 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 चुराते हो क्या कैंटीन से, एक उठा के पीछे दूसरा पीछे, नहीं लिया भाई, तो भाई ये सब भागे समोसे की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गए, साथ में बच्चों इलेक्ट्रॉन की एक बीम भी बन गई। इसने क्या काम किया, इसने क्या किया, फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन बीम, ये भी काम किया। और ये क्या काम कर रहे हैं, ये एमिटर का, इन पूरे का फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिटर, ये दोनों चीज मिला के। अब डिफ्रैक्शन कराना है, तो डिफ्रैक्शन कराने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी यूज हुई, एक नई चीज यूज हुई जो आपने अभी तक नहीं देखा है, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन। क्या होता है, हम यहां पे एक निकल की प्लेट का इस्तेमाल करने वाले हैं, निकल क्रिस्टल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमने यहां पे एक निकल क्रिस्टल लिया, डेफिनेटली उन्होंने और भी क्रिस्टल लिए होंगे, सबसे एक्सपेरिमेंट किया होगा, बेस्ट एक्सपेरिमेंट निकल से आया होगा, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं। तो निकल का क्रिस्टल लिया, ये हमने यहां पे एक निकल क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। अच्छा, अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, यहां पे आके स्ट्राइक किया, ये इलेक्ट्रॉन बीम आई सीधे आके यहां पे स्ट्राइक की। यहां पे हमने लगाई एक सर्कुलर स्केल, सेटअप देख लो कि सब समझ में आ जाएगा, एक सर्कुलर स्केल, और इसके ऊपर हमने लगाया एक मूवेबल डिटेक्टर। क्या लगाया, एक मूवेबल डिटेक्टर, फिर यहां से तार जाके कनेक्टेड है एक गैल्वेनोमीटर से। ये पूरा सेटअप है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इससे टंगस्टन फिलामेंट पे बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग है, मैंने अलग से प्लेट बना दी, असल में इसी के ऊपर बेरियम ऑक्साइड लगा है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में नाचता हुआ निकला, जय 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 जय, सामने समोसा दिखा सारे बच्चों को फ्री का, सब भागे, पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट किया, फाइन थिन बोर से, थिन बोर से या थिन होल से एक बढ़िया बीम बनी, कॉलिमेटेड बीम कहते हैं अंग्रेजी के वर्ड, छोड़ यार, बीम बनी, बीम आके निकल गई क्रिस्टल से, लड़ी, और लड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग हुई हर तरफ, इलेक्ट्रॉन बिखर गया लड़ने के बाद, लड़ा और बिखर गया। अब हम कलेक्टर में, मूवेबल कलेक्टर में इन इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लड़कर, इलेक्ट्रॉन लड़कर इस कलेक्टर में आए, लड़कर इस कलेक्टर में, और यहां हमने इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करना स्टार्ट किया। दिस इज द होल एक्सपेरिमेंट। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन खट 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 कलेक्ट होंगे तो गैल्वेनोमीटर में डेफिनेटली डिफ्लेक्शन होगा, भाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो एक तरह से क्या बन रहा है, करंट बन रहा है, करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है, कहानी समझ में आ गई। मैं फिर से रिपीट करूं, फिर चलेंगे मेन एक्सपेरिमेंट पे कि क्या हुआ। क्या है भाई, यहाँ पे हमने एक लो टेंशन बैटरी लगाई है, आप 6 वोल्ट ही मान लो, 6 वोल्ट की एक बैटरी लगाई है हमने, बहुत ही हल्की सी,
काम क्या है, टंगस्टन को हीट करना, टंगस्टन बहुत जल्दी हीट होता है, बल्ब के अंदर लगा होता है, आप देखते हो ग्लो करने लगता है। हीट होने से क्या हुआ, टंगस्टन के ऊपर लेयर चढ़ा रखी है बेरियम ऑक्साइड की। बेरियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी देता है, वर्क फंक्शन बहुत लो है, इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया, उस इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया। इसका काम क्या है, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया और साथ में एक थिन बीम बना दी, फॉर्म ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जाके निकल क्रिस्टल से लड़ी और उसके बाद सारे डायरेक्शन में फैल गई। अब हम हर डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन आए विद द हेल्प ऑफ अ मूवेबल डिटेक्टर। सर्कुलर है, यहां इतना दिखाया है, एक्चुअली तो सर्कुलर है, पूरा ऐसे ऐसे पूरा गया है, समझ रहे, पूरा ऐसे ही है, आपको इतना सा बना के दिखाया, एक्सटेंडेड है। हमने डिटेक्टर इधर लिया, देखा कितने इलेक्ट्रॉन आए, इधर लिया कितने इलेक्ट्रॉन इधर आए, कितने इधर आए, कितने इधर आए, कितने इधर आए, कितने, ये काम हमने किया। और जब जब इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ेंगे तब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड एट डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हाई टर्म है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी, बट सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज ऑब्जर्व अराउंड 44 वोल्ट टू 64 वोल्ट। इसके आसपास सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी हमें मिली, कहां कहां अप्रोक्स वैल्यू कितनी है, 44 वोल्ट टू 64, 68 वोल्ट, दैट व्हाई आई वाज चेकिंग द डेटा। वैसे इसकी मीनिंग नहीं है, जो मीनिंग है वो भी हम बताएंगे किस चीज की। क्या फिर समझाते हैं क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आए, लड़े, हमने कलेक्टर में कलेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अब जो डिफ्लेक्शन है वो सबसे बढ़िया कब मिला, इस रेंज ऑफ वोल्टेज में मिला। इस वोल्टेज को हमने चेंज किया, शुरू में इस वोल्टेज को मान लो हमने 20 वोल्ट रखा, हमने कलेक्टर ऐसे ऐसे घुमाया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। हमने 25 वोल्ट किया, कलेक्टर को ऐसे ऐसे घुमाया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। हमने इसको बढ़ाते बढ़ाते 40 वोल्ट पे ले गए, गैल्वेनोमीटर घुमाया, डिफ्लेक्शन बढ़ा, हर जगह नहीं बढ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी एंगल पे बढ़ा किसी एंगल पे नहीं बढ़ा, ये भी होगा, अभी आगे बताइए। सपोज कर लो कि ये एंगल फाई है, ये इंसिडेंट बीम और ये रिफ्लेक्टेड बीम, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में मान लो एंगल कितना है, फाई है, तो किसी एंगल पे, समझ रहे हो, एंगल चेंज हो रहा है, कहीं कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा, कहीं कहीं पे कम, और ये चीज ऑब्जर्व हर वोल्टेज पे नहीं हुई, इस रेंज ऑफ वोल्टेज में बढ़िया ऑब्जर्व हुई। 44 वोल्ट लगाया, देखा किसी एंगल पे आके, देखा 40 डिग्री पे आके इलेक्ट्रॉन बहुत आ रहे। अच्छा कैसे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम, ये चीज लिख लो यहां पे, द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या उसको आप क्या बोल सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो तब ज्यादा होगा जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे। देखो यार प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये पार्टिकल होता बच्चों तो हर जगह बराबर से आता, पर ये पार्टिकल नहीं है, वेव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा और कहीं पे कम। कुछ याद आ रहा है, लाइट में कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा हो रही थी कहीं पे कम, स्क्रीन पे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट, जहां इंटेंसिटी ज्यादा वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां इंटेंसिटी कम वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जो चीज दिखी ना कि कभी इंटेंसिटी ज्यादा कभी कम, ये इस रेंज ऑफ वोल्टेज में दिखाई पड़ना स्टार्ट हुई कि अलग अलग एंगल पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी अलग अलग है,
लोअर टेम्परेचर पे ऐसा सॉरी लोअर वोल्टेज पे ऐसा नहीं, जैसे मान लो मैं ग्राफ दिखा रहा हूं आपको, भी प्रॉपर बनाते हैं इसको बहुत बढ़िया सा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस मान लो एंगल बनाया वर्सेस फाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस फाई। तो हमने देखा कि मान लो जैसे हमने ये चीज लगाई है 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट पे ग्राफ कुछ ऐसा है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, हर जगह इंटेंसिटी करीब करीब बराबर, यानी हर एंगल पर ये फाई है ना, फाई मान लो यहां पे 10 डिग्री, यहां पे मान लो 40 डिग्री, यहां पे मान लो 60 डिग्री, समझ रहे हो? 10 डिग्री कहां होगा, यहां कहीं इस जगह पे, देखा कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4, यहां पे देखा 4, यहां पे देखा 6, यहां पे देखा 3, यहां पे देखा 4, यहां पे देखा 5, मतलब हर जगह करीब करीब बराबर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। कैसे पता चल रहा कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसकी डिफ्लेक्शन से, इसकी डिफ्लेक्शन जितनी ज्यादा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जब हमने लोअर समझ में आ रहा है नहीं, जब हमने लोअर वोल्टेज लगाया तो खास कोई ऐसा अंतर नहीं आया, हर जगह बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जो कि पार्टिकल नेचर कहता है कि सिमेट्रिकली हर जगह इलेक्ट्रॉन उतने ही पहुंचने चाहिए, यहां से कुछ ऐसे लड़े इधर आए, कुछ ऐसे लड़े इधर आए, कुछ ऐसे लड़े इधर आए। फिर हमने यही वोल्टेज बढ़ाया बच्चों, मान लो इसी को हमने कर दिया सपोज कर लो 30 वोल्ट, तो हमने देखा कुछ ग्राफ कुछ थोड़ा सा ऐसे हुआ, मतलब किसी एक जगह पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने लग रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अच्छा, फिर हमने इस वोल्टेज को और बढ़ाया, सपोज कर लो हमने इसको कर दिया 44 वोल्ट, अब ये ग्राफ और एविडेंट होने लगा, ऐसा हो गया कि किसी एक एंगल पे, यहां 40 डिग्री पे देखा, यहां पे यार कुछ ज्यादा ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां नहीं कर रहा, यहां नहीं कर रहा, यहां कर, यहां बहुत ज्यादा कर रहा है, यानी इस जगह पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं। ओए ओए, फिर यही एक्सपेरिमेंट करते करते हम पहुंचे 54 वोल्ट पे, जहां पे सबसे बेस्ट रिजल्ट मिला। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, समझ रहे हो कि लोअर वोल्टेज पे क्या हो रहा है, लोअर वोल्टेज पे हर एंगल पर, हर एंगल पे फाई यहां पे 10 डिग्री, यहां पे फाई 20 डिग्री, यहां पे 50 डिग्री, यहां पे 80 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, हर एंगल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब सेम थे। 44 वोल्ट के बाद दिखने लगा कुछ डिफरेंस, मतलब 30-40 से दिखने लगा कि हाँ कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे कहीं पे कम आ रहे। तो देखो ध्यान से नोट, एट 54 वोल्ट अ पीक इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज ऑब्जर्व्ड एट फाई इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब कैसे पता चला कि पीक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पहुंच जाता होगा जब वोल्टेज V की वैल्यू, ध्यान दो अब आ गया मेन एक्सपेरिमेंट, ये मेन वैल्यू याद रखनी है, जब वोल्टेज 54 वोल्ट लगाया तब हमने देखा कि 50 डिग्री के एंगल पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ऐसा हमें इसलिए लगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 50 डिग्री पे एकदम पार, 10 डिग्री पे लगाया 20 में, 30 में, 50 पे, 55 पे, 60 पे, 65 गिर गया, पर 50 डिग्री पे लाते ही भाग गया। अभी इसमें कमाल की बात तो सुनी नहीं आपने, कमाल की बात यह हुई कि जब हम ऐसा अज्यूम करें कि एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, ध्यान से सुनो, ध्यान से, हम यहां पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगा दें, बहुत प्यारी बात बता रहे, कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगा दें कि एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, जब एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन आया तब भी डिफ्लेक्शन 50 डिग्री पे सबसे ज्यादा थी। ओए होए होए, सर इलेक्ट्रॉन अगर हमने बना लिया इंस्ट्रूमेंट, वो आपको चिंता नहीं करनी, हमने कुछ ऐसा यहाँ पे ऐसा फिल्टर लगा दिया, वो इंस्टाग्राम वाला फिल्टर नहीं जिससे सफेद चेहरा हो जाता है, B612 नहीं, वो सब नहीं, हमने यहाँ पे एक ऐसा फिल्टर लगाया जिससे एक बार में एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब एक इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ यहां मारा, अब एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही जगह जाएगा ना सर, वो टूट के और पार्ट में, याद रहे इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, टूटेगा नहीं,
सर इलेक्ट्रॉन के बाद ही फंडामेंटल ना, 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 ना। प्रोटॉन में फंडामेंटल है, न्यूट्रॉन में है, इलेक्ट्रॉन में नहीं। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, वो टूट भी तो नहीं सकता। फसा दिया मैं तुमको, किस चाल में किस सोच में चलेगा तुम। अब मैं बोल रहा हूं जब यहां हमने एक ऐसा फिल्टर लगा दिया जिससे एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन आया तो वो किसी एक जगह जाएगा ना, ना डिफ्लेक्शन हर जगह था, गैल्वेनोमीटर हर जगह डिफ्लेक्ट कर रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन हर जगह रिसीव हो रहा था, और उस टाइम भी 50 डिग्री पे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन था। यानी वो इलेक्ट्रॉन अब एक पार्टिकल नहीं, वो एक कलेक्शन ऑफ वेव्स बन गया है, जो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके इंटेंसिटी मैक्सिमम दे रहा है और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके इंटेंसिटी मिनिमम दे रहा है। ये एक्सपेरिमेंट स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो ट्रू था, पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए भी ट्रू था। सिंगल इलेक्ट्रॉन में दिमाग खराब कि यहां फिल्टर लगाया, एक बार में एक इलेक्ट्रॉन आया, लड़ा तो किसी एक जगह जाएगा। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन आया तो किसी एंगल पर डिफ्लेक्शन होगा, किसी एंगल पर डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का नहीं होगा, कहीं जहां पे इलेक्ट्रॉन आया वहां पे गैल्वेनो डिफ्लेक्ट करेगा, बात भी नहीं, पर ऐसा नहीं, डिफ्लेक्शन हर जगह हो रहा है और एक जगह पे सबसे ज्यादा भी हो रहा है। इसका ग्राफ देखिए। सर मजा आ गया, अब फील आया, अभी कहा, अभी तो रुको, अभी इसकी क्रिस्टल पिक्चर में जाएंगे, बहुत मजा आएगा। यहां हम ले रहे हैं आई, आई डिनोट्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटर समझो तो ऐसा समझ लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझ लो। यहां हम ले रहे हैं एंगल फाइ, और ध्यान रहे ये ग्राफ हम बना रहे हैं एट वी इज इक्वल टू 54 वोल्ट। इस टाइम पे हम ये ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ हमने इस टाइम पे बनाया तो ग्राफ बहुत खूबसूरत ऐसा बना, और ये पीक मिल रही है हमको 50 डिग्री, 40 डिग्री पे ग्राफ थोड़ा नीचे गिर गया, 30 डिग्री पे इधर भी नीचे गिर गया, इधर से मान लो 80 डिग्री पे और नीचे, और ओवरऑल धीमे धीमे ग्राफ नीचे गिर। यानी इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद है, पर इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, और हम तो किसी तरह से एक बार में एक ही पार्टिकल भेज रहे हैं, और एक पार्टिकल तो एक ही जगह लड़ना चाहिए। और ये थ्योरी भूल जाओ कि इलेक्ट्रॉन लड़के ऐसे बिखर के कई पार्टिकल बन गया, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को आज तक नहीं तोड़ा गया है। यानी ये भी नहीं हो सकता कि यहां से इलेक्ट्रॉन लड़कर छोटे छोटे, दिमाग में तो यही सब आता है, साफ सोचो साफ सोचो, यही तो उम्र है सोचने की, कि इलेक्ट्रॉन लड़ा होगा और छोटे छोटे पार्ट में टूट गया होगा, एक जगह इलेक्ट्रॉन का बड़ा पार्ट आया होगा वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा, पर ऐसा हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन टूट ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी यहां लड़कर एक कलेक्शन ऑफ वेव बन जाता है, और वही वेव्स आके 50 डिग्री पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ज्यादा, और वही वेव कहीं कहीं पे जैसे 30 डिग्री पे, 30 पे तो नहीं, 30 पे कोई और हो रहा है, मान लो 10 डिग्री पे, और यहां मान लो 90 डिग्री, 10 डिग्री पे आके वही वेव कर रही है डिस्ट्रक्टिव, 90 पे वही कर रही है डिस्ट्रक्टिव। मजा आया? अच्छा अभी कुछ मजा नहीं आया, अब बात आएगी कि ये हो क्या रहा है, ये इंटरफेरेंस हो कैसे रहा है। इंटरफेरेंस की कंडीशन याद है, जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा, अब वो सब की कहानी, पहले इतना नोट करें, क्लियर हुई इतनी बात, नोट करें, ये ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस ग्राफ इज ड्रॉन फॉर 54 वोल्ट। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि ये ग्राफ 44 वोल्ट पे भी बन सकता है, 50 वोल्ट पे भी बन सकता है, 48 वोल्ट पे भी बन सकता है, 60 वोल्ट पे भी बन सकता है, 64 वोल्ट पे भी बन सकता है, और हर जगह ये ग्राफ अच्छा बनेगा, बेस्ट बना 54 वोल्ट। मैंने बोला ना 44 से लेकर 68 में एक्सपेरिमेंट दिख रहा था, 44 से 68 में ये कहानी होने लगी, उसके पहले हर जगह इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी सेम आ रही थी, पर 44 से 68 में खतरनाक चीज हुई कि किसी एक जगह पे इलेक्ट्रॉन जाता। खैर थोड़ी देर के दिमाग से वो पिक्चर हटा दो एक इलेक्ट्रॉन वाली, क्योंकि वो तो एक पॉइंट है, एक्चुअल कहानी में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, उसमें भी तो सवाल उठता है कि किसी एक एंगल पे इलेक्ट्रॉन क्यों ज्यादा आ रहा है, 3-4 इलेक्ट्रॉन या 10 करोड़ों इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं तो किसी एक एंगल पे ही क्यों ज्यादा आ रहा है, ऐसा क्या पे आ रहा है, ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है भैया, स्क्रीन पे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव होता था, फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता था, अभी सब दिखेगा, अटेंशन बेस्ट बना 54 वोल्ट पे, पर मैं आपको बोल रहा हूं, हो सकता हो एग्जाम में ये ग्राफ 50 वोल्ट पे दे, हो सकता हो एग्जाम में ये ग्राफ 48 वोल्ट पे दे, 44 से लेके 68 वोल्ट के बीच में कहीं का भी ग्राफ दे सकता है, और थोड़ा थोड़ा अच्छा बनेगा, बेस्ट बनता है 54 वोल्ट पे, और उस टाइम पीक दिखती है 50 डिग्री पे। नोट कर लिया? अब बात आती है कि कैसे डी ब्रोई से ये मैच करेगा। डी ब्रोई ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वेव है,
पार्टिकल वेव है, ये भी मान रहे हैं कि हाँ कुछ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बट डीब्रो का जो फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, क्या उसको भी ये वेरीफाई करेंगे? करेंगे, नोट कर लेंगे बेटा इसको। 1 2 3 4 5 आसमा के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम से कदम मिला के चले। कई लोग सोच रहे हैं यार जीवन में मैं ही जो समोसा नहीं चुराया, सर तक ऐसा काम ना ना मैंने ऐसा किया नहीं है, अभी कैंटीन वाला खड़ा हो जाएगा तो रोज के दो समोसे के हिसाब से मेरे तो लाखों रुपए के चूने लगा देगा वो। मेरे फ्रेंड्स भी नहीं करते थे वरना आके पूछे कौन चुराया मेरे समोसे। तो वापस कैंटीन की गलियों से बाहर आओ, अब सुनो। द पीक इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर एंगल, एट अ पर्टिकुलर एंगल फाइ सजेस्टेड सजेस्टेड या इंडिकेटेड, कुछ कहानी में इंडिकेशंस हैं, इंडिकेटेड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स, मैटर वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। अब ये जो इंटरफेरेंस है ये हमने नहीं पढ़ा है, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग हमने ये सब कहां पढ़ा है, हमने तो वो पढ़ा है कि एक स्लिट में छेद है वहां से लाइट निकल रही है, या स्लिट में दो स्लिट्स बनी हुई हैं, है ना, दो स्लिट्स में से लाइट निकल रही है इंटरफेरेंस, पर हमने ये वाला तो नहीं पढ़ा कि क्रिस्टल से कुछ पढ़ा है क्या कि क्रिस्टल से लड़कर लाइट है। सो फॉर क्रिस्टल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस Bragg's law stated, अब देखो एक नया law आ गया Bragg's law। अब इनकी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इस कहानी में क्रिस्टल से इंटरफेरेंस हुआ है जो अभी तक आपने देखा, आपने तो देखा था छेद में से लाइट निकलती है तो कैसे इंटरफेयर, ये तो क्रिस्टल से लड़के आ रही है, तो कुछ क्रिस्टल की कहानी है। Bragg's law stated 2d sin theta is equals to n lambda, किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके लिए? Where d is distance between atomic layer, ध्यान से, theta is not phi, angle between incident wave and atomic layer, n is order of maxima, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, n क्या होता है, integer होता है, 1 2 3 4, समझ गए, nth order maxima, first order second order। तो ये एक Bragg's law है जो crystal interference या crystal diffraction में काम आता है, और जब constructive interference हो रहा है कहीं पे तो कहते हैं 2d sin theta n lambda, जो कि कुछ हवा नहीं लगी आपको, हो सकता है स्कूल में भी आप इतना ही पढ़ के सुकून पा लियो, यहां से lambda की value 1.67 angstrom निकाले होंगे, 1.65 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद आपने लैम्डा की वैल्यू डीवर्स से 1.67 निकाली और दोनों कह दिया क्लोज एग्रीमेंट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये कैसे आया, बोलो क्यों जरूरी है, जेई मेंस 2008, तब जेई मेंस होता था नहीं होता था, AIEEE 2008 में एक बढ़िया पैराग्राफ सवाल आया था जिसमें इसके अंदर उन्होंने पोस्टमार्टम किया था, इसको समझते हैं ये क्या हुआ। देखो अभी तक कहानी क्लियर है, अभी तक कहानी क्या है कि इलेक्ट्रॉन वहां फिलामेंट गर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, बीम बना, जाके उससे लड़ा, और किसी एंगल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, किसी एंगल पे इलेक्ट्रॉन कम, और ये बढ़िया चीज कब मिली? एट 54 वोल्ट, है ना, किसकी कब ये सब कहानी कब हो रही है बार बार याद रखो, 54 वोल्ट पे बेस्ट हो रही है, बाकी 44 से 68 में हो सकती है 44 से। तो हमने देखा कि हाँ यार 54 वोल्ट पे एक जगह पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा है, कैसे पता चला? गया लोडे जा रिफ्लेक्ट किया कहीं कम, तो हमने कहा कहीं पे ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन वेव बन गया होगा, वेव का वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब Bragg's law बता रहा है कि क्रिस्टल की वजह, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करना, 2d sin theta = l λ, d is distance between atomic layer,
theta is angle between incident wave and atomic layer, n is order of maximum. अभी दिखाते हैं क्या है. ना ना बिल्कुल नहीं घबराना है, नोट कर लें, बस नोट कर लिया. चंद सितारे कूलर खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं. किस मूवी का गाना है कमेंट में मुझको बताएं. शायद आप में से कितने लोग उस टाइम पैदा हुए होंगे जब ये मूवी आई होगी. सर आप तो बुड्ढों की तरह बात करने लगे, गाने तो हमारे जमाने में आते थे, आजकल क्या गाने आते हैं. अच्छा वापस आओ. हाँ तो क्या था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रैग्स. जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है भाई, इसके बिना तुम्हें मजा ही नहीं आएगा टॉपिक का. कैसे हुआ इंटरफेरेंस ये नहीं देखोगे क्या. आओ मान लो ये निकल के क्रिस्टल की लेयर्स हैं, थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट मैंने तो पढ़ा है इस बार. सॉलिड स्टेट थोड़ा बहुत पता है, एटम्स में लेयर होता है, क्रिस्टल में लेयर्स होती है एटम की. मान लो ये निकल के क्रिस्टल की लेयर्स हैं, ये एटम्स हैं, ये नीचे वाली लेयर्स में एटम्स हैं, ये उसके नीचे वाली लेयर्स में एटम है. ठीक है, ये निकल क्रिस्टल में दिखा रहा हूं. इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर्स, इंटर एटॉमिक लेयर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर. फील हो रहा है कि एकदम ही कुछ पास जा रहा है. अरे मान लो निकल का ये क्रिस्टल है तो उसके अंदर बहुत से एटम्स होंगे, तो एक एटम की लेयर ये है, एक एटॉमिक लेयर ये है, एक एटॉमिक लेयर ये है, इस तरह से एटम्स की लेयर बनी हुई है. इस लेयर में एटम्स हैं, फिर इस लेयर में बीच बीच में एटम्स नहीं भी होते, ये भी समझो केमिस्ट्री की बात है. क्रिस्टल में ऐसा नहीं कि हर जगह एटम है, कहीं कहीं वॉइड होता है, एम्प्टी स्पेस होता है. तो एक ये एटॉमिक लेयर बनी, उसके नीचे फिर एटम की लेयर, ऐसे होता है. ठीक है. अच्छा अब इधर से इंसिडेंट रे आने वाली है, इधर से इंसिडेंट वेव आई, ये आई और टकरा के चली. This is incident and this is reflected. इसको incoming outgoing भी बोलते हैं. ठीक है, incident and reflected. अच्छा मुझे एक बात बताओ, electron waves. मुझे एक बात बताओ कि incident और reflected के बीच में कितना angle था? Phi था क्या? यही तो incident थी, ये reflected थी. बीच में कितना angle था? Phi था ना? तो इसके बीच में angle है phi. हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, एक और ले, पहले एक और ले लेते हैं फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं. ये हमने एक और ले ली, ये इस वाले से रिफ्लेक्ट होके ऐसे दो रे ले ली या दो वेव्स ले ली, जो भी समझो. ठीक है. अच्छा इनके बीच में एंगल कितना है? फाइव. इंसिडेंट ये आई थी, ये निकल का क्रिस्टल था, यहाँ कलेक्टर था और ये रिफ्लेक्टेड, बीच में एंगल फाइव था. ठीक है. यहां से हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ध्यान देते जाओ बहुत मजा आने वाला है. एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया. अब अगर ये एंगल पूरा फाई है बच्चों, तो ये कितना हो गया? फाई बटे टू. और ये भी कितना हो गया? फाई बटे टू. अब जो ब्रैग्स इक्वेशन है उसमें इस एंगल का इंपॉर्टेंस नहीं है. ब्रैग्स इक्वेशन में ये एंगल हमें देखना था, याद है थीटा क्या था? एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर, ये एंगल. तो इसको चलो हमने थीटा बोल दिया. ठीक है. अब ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. सब क्यों बता रहे? सुनो ध्यान से सुनो. कैसे हुआ इंटरफेरेंस? कुछ एक कहानी भी होगी इसके पीछे. तो उन्होंने कहा कि मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर कलेक्शन ऑफ वेव्स है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी मानते हैं अगर कलेक्शन ऑफ वेव्स है, तो ये दोनों वेव गई क्रिस्टल से लड़ी बाहर. ध्यान से देखो इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस आ गया है. ये वाली वेव कम चली है, ये वाली वेव ज्यादा चली है. कितना पाथ डिफरेंस है? मेरे ख्याल से देखो ए यहां से ये वाली ज्यादा चली तो दिख रहा है ना, कितना ज्यादा चली ध्यान से देखना. ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली, यहां तक तो दोनों बराबर चले, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली, ये तो दोनों बराबर चले, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा चले. नीचे वाली वेव इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा, इतना बाकी. देखो दोनों की पाथ ये देखो, पाथ इतनी, इसकी पाथ इतनी है कि नहीं? जितना ये चला उतना ये ये एक्स्ट्रा ये और ये चल गया है. ये पाथ डिफरेंस है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस होता है. भाई पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस से इंटरफेरेंस.
तो हमें ये पार्ट डिफरेंस निकालना है, बड़े आसानी से निकल आएगी, बड़े आसानी से। इसका एक बड़ा पिक्चर बनाते हैं, चलिए से नहीं बना रहा हूं, टेंशन मत लो, कैलकुलेशन एकदम सही करेंगे, ठीक है। पार्ट डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? पार्ट डिफरेंस ही होगा इंटरफेरेंस, है ना? ठीक है। अच्छा ऐसे भी समझ सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं, तो 5/2 और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीच में पाई एंगल था, तो ये आधा आधा हो गया ना। कई लोग ये पूछ रहे कि सर आधा आधा कैसे हुआ, पूछ नहीं रहे मतलब सोच रहे कि आधा ही आधा क्यों डिवाइड किया। सब बातों का आंसर लेके आता हूं मैं कि आपने बोला ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, बीच में एंगल पाई है, तो मैंने कहा कि भाई एक बात बताओ, अगर हम नॉर्मल बना लें तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं, हमें तो चाहिए पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितना है? ये और ये, हमें ये चाहिए ना, इसको दे दो ए बी सी, तो हमें ए बी सी ये लेंथ चाहिए, यही तो एक्स्ट्रा है, इतनी इतनी इतनी, बाकी तो दोनों की बात बराबर है। कंफ्यूजन हो रहा है, देखो ये और ये बराबर हुआ, ये और ये बराबर हुआ, सिर्फ यही तो ये एक्स्ट्रा चला है, इतना ही तो एक्स्ट्रा चला है, ये बराबर ये बराबर ये हो गया, ठीक है। अब हमें ए बी और बी सी निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से, बहुत बहुत आसान है, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? डी ए, बहुत आसान है। ये एंगल कितना है? थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, बहुत बढ़िया। बच्चों ये कितना है? डी है, ध्यान से देखो, ये आपने परपेंडिकुलर गिरा, ये एंगल कितना होगा? 90। तो बच्चों डी का इस पे कॉम्पोनेंट कितना आएगा? डी कॉस 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये वाला भी कितना हो जाएगा? डी कॉस, भाई ये थीटा तो ये थीटा तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो इधर भी कितना कॉम्पोनेंट आएगा? डी कॉस 90 माइनस थीटा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये डी है, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये हाइपोटन्यूज होगा। अरे भाई इधर 90 है, एक परपेंडिकुलर एक बेस, ये हाइपोटन्यूज, तो इसका इधर कॉम्पोनेंट डी कॉस 90 माइनस थीटा, इधर डी साइन 90 माइनस थीटा, तो यही तो पार्ट डिफरेंस है ना। ए बी इस तरह से ये थीटा, फिर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बोलो आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं ए बी इज नथिंग बट डी कॉस 90 माइनस थीटा, सिमिलरली बी सी इज ऑल्सो नथिंग बट डी कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये जो पाथ डिफरेंस है दैट इज ए बी प्लस बी सी, ये पूरी कहानी आप जो सीख गए ना, मस्त, बहुत बढ़िया चीज सीखे। पार्ट डिफरेंस है दैट इज ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू डी कॉस 90 माइनस थीटा, डी कॉस 90 माइनस थीटा टू टाइम्स ऑफ डी कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टू डी साइन थीटा। पार्ट डिफरेंस याद है किससे भी नोट करते थे? डेल्टा एक्स। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आपको याद हो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आपको याद हो, पार्ट डिफरेंस क्या होता था? लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, डैश डैश, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हम पार्ट डिफरेंस बोलते थे एन लैम्डा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर दो। आ गया समझ में कि ये जो कहानी हो रही है ये एटॉमिक लेयर के चलते हो रही है, दोनों लेयर की वजह से पार्ट डिफरेंस आ गया। देखो यहां से ये रास्ता बराबर ट्रेवल की दोनों वेव, बट ये और ये इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया, तो हमें ये निकालना था। हमने कहा कि ये एंगल 5/2, इसको हमने थीटा बोला, अभी थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो परेशान नहीं हूं। थीटा हमने बोला ये डी है, ये 90 माइनस थीटा, तो डी का इधर डी कॉस 90 माइनस थीटा, इधर भी डी कॉस 90 माइनस थीटा, तो पार्ट डिफरेंस हो गया 2d cos 90 माइनस थीटा 2d sin थीटा। फिर हमने कहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पार्ट डिफरेंस होता है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा, दोनों को इक्वेट कर दो, ब्रैग्स इक्वेशन बन गई 2d sin थीटा। याद रहे थीटा क्या है वरना गलत कर दो। तो ये हमने बताया कि ब्रैग्स लॉ कहां से आया, फील हुआ पार्ट डिफरेंस हो गया, वेरी गुड, ब्रैग्स लॉ। अब हम थीटा वगैरह जोड़ते हैं और लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब हम लैम्डा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं
कैसे? क्योंकि हमें निकल क्रिस्टल का डी पता है, हमें इस एक्सपेरिमेंट का फाई पता है। नहीं पता है क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां हुआ है? 50 डिग्री पे हुआ है, 54 वोल्ट पे, 50 डिग्री पे, 50 वाले एंगल पे सबसे ज्यादा हाई थी इंटेंसिटी। हमें फाई पता है, हमें निकल क्रिस्टल का डी पता है, रखते हैं लैम्डा निकालते हैं। नोट कर लो, मिटा दे इसको। 1 2 3 4 5 पॉज करके नोट करो, पॉज नोट, 1 2 3 4 5 मिटा रहे, मिटा रहे, बहुत बढ़िया। व्हाट इज थीटा, याद रहेगा हमेशा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे या इंसिडेंट वे एंड एटॉमिक वेव। अब हमें पता है फॉर निकल डी की वैल्यू होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। इस कहानी में हमें पता है थीटा प्लस फाई बाई टू होगा 90 डिग्री, ये तो सबको पता है। ये पूरा एंगल कितना होगा? 90। हमें पता है एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, हमने ग्राफ से देखा, एक्सपेरिमेंट से देखा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है जब फाई की वैल्यू है 50 डिग्री पे मैक्सिमम था। ये 50/2 हो गया 25, थीटा प्लस 25 इज इक्वल्स टू 90। यहां से थीटा की वैल्यू आई 65 डिग्री। नाउ यू हैव थीटा, नाउ यू हैव डी, डी की वैल्यू थीटा की वैल्यू रख दो, मिटा दे उस तरफ राइट साइड में। टू डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। हम फर्स्ट ऑर्डर का यहां पे मैक्सिमा मानेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू हम 1 रख देंगे। 2 इंटू डी की वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉम, साइन थीटा की जगह 65 डिग्री, एन की जगह 1 इंटू लैम्डा। ध्यान देना थीटा और फाई अलग अलग है, बच्चे इतने में कंफ्यूज रहते हैं। आप तो क्लियर दिख रहा है आपको, फाई क्या था? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल, और थीटा अलग ही है कि इंसिडेंट, थीटा क्या था? इंसिडेंट और क्रिस्टल की लेयर के बीच का एंगल, थीटा। इंसिडेंट और क्रिस्टल, क्रिस्टल की लेयर ऐसा थोड़ी ना जरूरी है कि निकल ऐसे बनाए तो क्रिस्टल लेयर ऐसा हो, छोटी छोटी चीजें, हम सबका क्रिस्टल लेयर ऐसे ऐसे हो, तो ये इंसिडेंट और क्रिस्टल लेयर के बीच का एंगल थीटा, जो कि आपने देखा 5/2 थीटा मान, थीटा प्लस 5/2 90 थीटा प्लस 60 डिग्री। यहां से लैम्डा जो मिला वो मिला हमें अप्रोक्सीमेटली 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो एक्सपेरिमेंटली डेविसन एंड जर्मर ने कहा जी हाँ, इलेक्ट्रॉन जो इंटेंसिटी का पैटर्न दिखा रहा है वो पार्टिकल नहीं दिखा सकता। हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन पे भी खेल खेल लिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी ऐसा बट जा रहा है जैसे वेव हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक जगह जाना चाहिए पर वो भी एक साथ कई जगह पे प्रेजेंट है। ये वेव की प्रॉपर्टी है यार, ये वेव की प्रॉपर्टी, कोई चीज एक साथ कई जगह पे है, पार्टिकल की नहीं है। जैसे लाइट इस पूरे रूम में आ रही है, बट मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये एक जगह पर है, तो इलेक्ट्रॉन को किसी जगह पे आना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन पूरे कलेक्ट, पूरे सर्कुलर स्केल में हर जगह इंटेंसिटी दे रहा था। तो ये समझ गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पे मिला? 50 डिग्री पे। कितने पोटेंशियल पे? 54 वोल्ट पे। 44-68 में थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्टिव दिख रहा था, बट सबसे बेस्ट इस टाइम। बाकी तरीका सीख लो कि कैसे खेलना है हर समय। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने कहा लैम्डा ये। अब टेस्ट करते हैं कि क्या डी ब्रोई की जो फॉर्मूला था वो इस पे वैलिड है। डी ब्रोई हाइपोथेसिस पे चलते हैं। डी ब्रोई ने कहा था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी या एच बाई एमओबी। क्या इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी दे रखा था डी ब्रोई ने? सोचो, इलेक्ट्रॉन के लिए एक्स्ट्रा फॉर्मूला था, मुझे याद आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला था 12.27 अपॉन रूट वी, जहां भी होता था एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, या शायद इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऐसा फॉर्मूला था अंडर रूट 150 बाय वी, याद है क्या? पढ़ा था ना, लैम्डा किसमें? इन एंगस्ट्रॉम्स में। ये डी ब्रोई ने कह रखा, परेशान मत हो। और ये दोनों फॉर्मूले सिर्फ किसके लिए दिए थे उन्होंने? फॉर इलेक्ट्रॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन को आप वी वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे तो जो डी ब्रोई वेवलेंथ मैं कहता हूं वो अंडर रूट 150 बाई वी होगी, ठीक है? तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया उठा के इलेक्ट्रॉन पे, हमने कहा ठीक है, आप ही तो कह रहे थे। ये पिछले लेक्चर में आप देखोगे लास्ट में हमने दिखाया है या बीच में दिखाया है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 150 बाई वी, ये भी डी ब्रोई का फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से आया है। किससे? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी का ही आगे डेरिवेशन करते करते हम यहां पहुंचे थे।
150 बाई वी, वी की वैल्यू कितनी रखें 54 वोल्ट। ये कहानी कब हुई है, v is equals to 54, तो 54 रखा, under root 150 by 54, यहां से जो आंसर आता है वो angstrom में, और यहां से जो lambda की वैल्यू आई वो आई 1.67 angstrom। क्या बात है, यानी जो डी ब्रोई कह रहे थे और जो एक्सपेरिमेंट कह रहा काफी क्लोज एग्रीमेंट में प्रूव्ड। देखो वेव नेचर तो तभी प्रूव हो गया जब अलग-अलग जगह इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी दिख रही है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे अलग अलग जगह पर प्रेजेंट हो सकता है, तभी वेव नेचर प्रूव हो गया था। बट क्या डी ब्रोई का फॉर्मूला भी सही है, क्योंकि जो डी ब्रोई ने फॉर्मूला दिया है, डी ब्रोई ने जो हाइपोथेसिस दी है वो फोटोन के ऊपर लगती है। ये फोटोन का फॉर्मूला है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का फॉर्मूला उठा के उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर जोर घुसा दिया और वो लग भी रहा है। तो हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि क्या एक्सपेरिमेंट से जो हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं और डी ब्रोई के फॉर्मूले से क्या वो सेम है, काफी क्लोज एग्रीमेंट है, क्लियर है। लेटर ऑन अब तुमको कुछ चीजें हम और बता दें, लिखने की जरूरत नहीं है। लेटर ऑन ऐसा हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन पे भी हुआ, वहां भी सही हुआ। फिर ये एक्सपेरिमेंट न्यूट्रॉन पे भी हुआ, वहां पे भी सही हुआ। फिर ये एक्सपेरिमेंट एटम्स पे करना स्टार्ट कर दिया गया, बड़े पार्टिकल, अभी तो छोटे पे चल रहा था, बड़े पार्टिकल, वहां भी सही हुआ। फिर ये आयोडीन के मॉलिक्यूल पे किया गया, आयोडीन बहुत बड़ा है, आयोडीन के मॉलिक्यूल पे किया गया, वहां भी सक्सेसफुल। अरे तुमको हम और बताएं, इसके बाद इलेक्ट्रॉन ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पास किया। YDS याद है कि दो होल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हमने होल्स में से फेंका, एक इलेक्ट्रॉन इस होल से एक इस होल से, क्या सोचोगे इन होल्स के सामने जाके इलेक्ट्रॉन लड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। एक इलेक्ट्रॉन इस होल से एक इस होल से फेंका, सामने देखा कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कहीं पे कम है, मतलब दो बंदूक ले लिया, दो होल कर दिया, एक होल यहाँ एक होल यहाँ, दो बंदूक ले ली, ठक 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 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठक 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 ठक। आपको क्या लगेगा, इस होल के सामने इलेक्ट्रॉन्स जाएं और इस होल के सामने, सामने स्क्रीन रखी है, एक होल ये एक होल ये, इस हाथ में बंदूक इसमें इलेक्ट्रॉन, इस हाथ में बंदूक इसमें इलेक्ट्रॉन, ठक 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 ठक, होल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है। आपको दिमाग में इमेजिन हो रहा है इलेक्ट्रॉन जाके सीधा लड़ रहा है स्क्रीन से, जब स्क्रीन देखी तो इंटरफेरेंस पैटर्न, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उन दो होल्स के सिवा उनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, उनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है उनके नीचे भी, समझ रहे हो, ये होल है इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन गया, इसके नीचे भी और इसके बीच में भी। और कमाल की बात ये थी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बीच में पहुंचे, ये क्या चीज दिखा रहा है, याद आ रहा है लाइट की प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कमाल की बात इसमें और है यार, ये इतनी बढ़िया फिजिक्स है, कमाल की बात ये कि सिंगल इलेक्ट्रॉन से भी ये हो रहा, हालत ही खराब हो रही है अब तो सोच के। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन फेंक कर मैं उसको देखना छोड़ दूं और मैं पलट कर वापस एक्सपेरिमेंट देखूं तो मैं देखता हूं कि वहां पर इंटरफेरेंस हो रहा, यानी एक इलेक्ट्रॉन भी कलेक्शन ऑफ वेव से बना है। पर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन को फेंक कर मैं उसको लगातार देखता रहूं तो वो पार्टिकल नेचर दिखा रहा है और जाके एक ही जगह लड़ रहा है, क्या प्रॉपर्टी है, छोड़ो इसको वापस आओ, ये बहुत तगड़ी लाइन बोली मैंने। अगर आप किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर लो कि इलेक्ट्रॉन पहले होल से जा रहा है कि दूसरे होल से, और आपने पता लगा लिया इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले होल से जा रहा है, आपने किसी तरह डिटेक्ट कर लिया ना, तो ये यूनिवर्स बड़ा अजीब है, उसको समझ में आ गया हम डिटेक्ट हो गए, पार्टिकल बनना पड़ेगा और सीधा जाके लड़ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन फेंक के उसको डिटेक्ट नहीं किए तो वो स्क्रीन पे कहीं भी जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स ऐसा ही होता है, पढ़ो इसके बारे में, एक वीडियो बनाएंगे एक्स्ट्रा, पर जितनी लाइन बोली सब सच, 100% सच। क्वांटम फिजिक्स यही तो कहती है कि कोई भी चीज तभी होती है जब उसको हम देखते हैं, यही तो कहानी थी नील बोहर ने बोला था कि चांद वहां इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम उसे देख रहे हैं, हम नहीं देखेंगे तो चांद वहां है कि नहीं हमें पता नहीं। सर चांद तो है, और मेरा चांद तो मेरे पास है। मेरी चांद तो मेरी प्रियतमा, अरे आजा वापस लैम्डा क्लोज एग्रीमेंट में, मिटा रहे ओके। तो मैं यही बता रहा हूं कि इसके बाद, हाँ ये तो वेल प्रूव्ड है कि इलेक्ट्रॉन ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिखाया, प्रोटॉन ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिखाया, एटम्स ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिखाया, अब वेव नेचर ऑफ मैटर काफी हद तक साबित हो चुका है और ये तो कहानी की शुरुआत। चले सवालों की तरफ, सर बाद में जो बताया वो थोड़ा सा बाउंस कर गया है पर बाकी कहानी समझ में आ गई, मजे तो आ रहे, मजे तो आ रहे। चले सवाल की तरफ, सवाल देखते हैं IEEE 2008, इसको आप JEE Mains 2008 लिख सकते हो, छोड़ो मैं सवाल में लिखता ही नहीं। देखो अपने कहानी में क्या, उन्होंने डायग्राम बना के दिया, पैराग्राफ सवाल दिया था, एक डायग्राम बना के दिया, गलती मत करना, पढ़ के अच्छे से आओ तो गलती नहीं करोगे। डी बोला ये इनकमिंग
इलेक्ट्रॉन, ये आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन, इन्होंने हमसे बोला ये एंगल आई, पहला सवाल है फॉर मैक्सिमा ए 2d sin i is equals to n lambda, b 2d cos i is equals to n lambda, c d sin i is equals to n lambda, d d cos i is equals to n lambda. दूसरा सवाल, if d is equals to 1 angstrom and और क्या देना होगा, i is equals to 30 degree, then accelerating voltage या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोले, पोटेंशियल डिफरेंस बोले, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल्स टू, ऑप्शन है 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 50 वोल्ट. दोनों क्वेश्चन ट्राई करो पॉज करके, गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, संभाल के करना. पॉज 1 2 3 4 5 पॉज 1 2 3 पॉज करके सॉल्व कर लिया. चलो पहला वाला तो बड़ा आसान था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा कब आता है, हमने देखा है जब 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, यहां थीटा की वैल्यू कितनी है i, नारे ना नारे ना, थीटा ये एंगल था, ये वाला ऑप्शन मार्क कर दिया तो गलत हो गया, थीटा ये एंगल है, यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा प्लस i इज इक्वल्स टू 90, थीटा इज 90 माइनस i, 2d sin theta is 90 minus i is equals to n lambda, 2d sin 90 minus theta, 90 minus i cos i n lambda, ये सही है. अरे i नहीं लेना है, theta लेना है, theta का angle between incident ray and atomic ray, तो ये सही. दूसरे पार्ट पे आओ, if d की वैल्यू ये, i की वैल्यू ये, then accelerating voltage कितना होगा, दूसरे वाले में क्या करें, ये क्लियर हुआ, दूसरे वाले में क्या करें, अच्छा 2d sin theta is equals to n lambda, theta की वैल्यू क्या है 90 minus i, 2d sin 90 minus i is equals to n lambda, 2d cos i is equals to n lambda, d की वैल्यू रखो 1 angstrom, cos i की वैल्यू रखो 30 degree, n 1 into lambda, हमने n को 1 माना, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा अपने आप मानना यहां से. अच्छा अब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पूछ रहे हैं इसने, यार लैम्डा के एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से भी निकल सकता है, लैम्डा का एक फॉर्मूला ये भी है अंडर रूट 150 बाय v, लैम्डा किस में होगा, इन एंगस्ट्रॉम होगा, बाय ये लैम्डा एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल, और ये कहां से, डी ब्रोई से, दोनों सेम तो लैम्डा है, करीब करीब बराबर होते थे कि नहीं, तो इक्वेट कर दो, तो 2 into 1 into cos 30 is root 3 by 2, लैम्डा की जगह under root 150 by v, 2 से 2 मरा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 3 is equals to 150 by v, यहां से v is equals to 3 5 50 50 volt, d is the answer, clear है, चलिए बहुत बढ़िया, मैं टाइम देख रहा था 1 घंटा नहीं हुआ, तो यार बातें तो बहुत है इस पे करने को, बट आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस साफ दिखाता है, तो यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट.